लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। जनपद मैनपुरी में कस्बा कुसमारा में आज कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर नवल किशोर शाके का लोगों ने किया भव्य स्वागत। डॉक्टर नवल किशोर शाके अचानक कुसमारा से गुजर रहे थे, तभी कुसमारा वासियों को पता चला कि डॉक्टर साहब कुसमारा से निकल रहे हैं। तुरंत काफी संख्या में लोग फूल मालाएं तथा शॉल लेकर डॉक्टर साहब से प्रार्थना करने लगे कि हम सब लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना काल में जहां भी संभव हुआ लोगों की भरपूर मदद की तथा कुसमारा में भी कोरोना काल में पीड़ितों की, गरीबों, मजदूरों की खूब मदद की। हम सभी लोग आपके आभारी हैं। पत्रकारों से वार्ता करते समय डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझसे छोटे प्रयास में जो संभव हुआ वह मैंने किया, किंतु दुख है कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार कोरोना पीड़ितों की मदद नहीं कर सकी, लेकिन मैंने कुसमारा जैसी जगह पर आकर सभी गरीब लोगों को पैसे, अनाज, सब्जियां वितरित कराई। आज उन्हीं गरीबों का प्यार मेरे साथ है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर जाकर देखा कि किसान इतनी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, किंतु सरकार आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, जबकि वहां किसानों के साथ लाइट तथा बिजली पानी भी नहीं दिया जा रहा है और फोन सेवा नेटवर्किंग भी बंद कर दी गई है, जिससे किसानों की आवाज किसी के पास तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों को पूरा सहयोग बस साथ दे रहे हैं। वहीं स्वागतकर्ताओं में केपी सिंह सिंटू शाक्य, जहान सिंह, रामपाल मनोज, भगवान दास, डॉक्टर के आर शाक्य, अर्जुन एडवोकेट, बलराम सिंह, डॉक्टर नवाब सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो सुलेमान अलवी, लाइव टीवी एक्सप्रेस, कुशमारा, मैनपुरी। सर, आज नगर पंचायत कुसमारा में सिंटू भाई की तरफ से आपका जो स्वागत किया गया है, और आप उस स्वागत के बारे में अपने सिंटू भाई और उनके साथियों से कुछ कहना चाहेंगे क्या? मुझे लगता है पहले तो जो भी स्वागत किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इस स्वागत के लिए आज जो स्वागत होना चाहिए जिस चीज़ का जी, जिसको आज पूरा देश देख रहा है, उस चीज़ का स्वागत अगर ये भारत देश की सरकार, इस भारत देश के मुखिया, अपने आप को प्रधान सेवक कहने वाले, सही मायने में वो प्रधान सेवक के साथ हमारे प्रधान अभिभावक भी हैं, मुझे लगता है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो हमारे किसान बैठे हुए हैं उन किसानों का सरकार अगर स्वागत कर दे, उनकी बात मान ले, तो मुझे लगता है कि ये मेरा स्वागत सही मायने में उस स्वागत से कई उस स्वागत के लिए मैं बार बार धन्यवाद दूंगा। कोरोना काल में आपने नगर पंचायत कुसमारा में आकर गरीबों के घर घर जाकर आपने बहुत मदद की है, तो उसके बारे में भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। देखिए, कोरोना महाकाल एक ऐसा महाकाल था सन 2020 का, जिसको ये दुनिया काले वर्ष के रूप में याद रखेगी, और उसी काले वर्ष में मुझे लगता है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे किसान भाइयों ने इस उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार को बनाया था, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि कहीं भी कोई देवी आपदा होगी या कुछ होगा तो सरकार मदद करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उस देवी आपदा में, उस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसी भी स्तर पर मदद करने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने कोरोना काल में अपने सभी समाजवादी साथियों को संदेश दिया था कि आप लोग, जितने भी लोग जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, और जो जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, उनकी आप मदद कीजिए। इस पूरे उत्तर प्रदेश में आपने खुद पत्रकार महोदय देखा होगा कि हमारे समाजवादी साथियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में हमेशा गरीब भाइयों की मदद करने का काम किया, और मुझे लगता है कि मैं भी एक डॉक्टर होने से पहले एक किसान का बेटा हूँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, और एक किसान के बेटे के चलते मैंने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की मदद की, और मदद के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने बहुत सारा प्यार दिया। सर, कुसमारा में आप कोरोना महामारी के दौर में कई बार आए, और यहाँ के लोगों ने बताया कि आपने सभी लोगों को राशन, पानी, पैसे भी वितरण किए, ये बात सही है? ये बात सोले आना सत्य है, लेकिन जो काम मैंने छोटे लेवल पे किया, मुझे लगता है प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए था
सरकार को करना चाहिए था, हमारे किसान लोग दिल्ली से पैदल पैदल चल के आए, वो दिन आप भूल गए, एक महिला सूट केस खींच के ले जा रही थी और उसके बच्चे को उस पे सूट केस पे बैठ के अपने घर पर लाई थी। कितने सारे लोग यहाँ पर औरैया में ट्रक एक्सीडेंट हो गया, लोग ट्रकों में बैठ रहे हैं तो पुलिस लाठी और डंडों से मार रही है। यार हमारा लोकतंत्र ये कह रहा है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। और ये बात कोई डॉक्टर नवल किशोर नहीं कह रहा जी, और न मेरे सामने बैठे सब आप भाई बंधु कह रहे हैं। इस बात को भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय के चार महाविद्वान जजों ने इस बात को कहा है कि भारत देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, इसको बचाइए। और आप सभी पत्रकार बंधु तो चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज के मीडिया के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, आप लोग उस गरमा को कायम करने का काम करें। अभी जो बजट आया है उसके बारे में अभी आपने पूछा था, उसके बारे में तो सब कहेंगे। ये बजट को जानने वाले अर्थशास्त्री, विद्वान, इकोनॉमिस्ट सभी जानते हैं ये किसान विरोधी बजट है, ये छात्र विरोधी बजट है, ये बेरोजगार विरोधी बजट है और ये पूरा का पूरा देश विरोधी बजट है। इसमें केवल लब्बो लबाब और लफाजी बातें हैं। इसको जो गहन अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्र के छात्र हैं वो आपको ज़्यादा बताएंगे। धन्यवाद।